Hello everyone and welcome to our channel Holistic Facts. Let's start the Hindu newspaper analysis dated 2nd August 2019. Aaj ki first news is about हमारे कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दे दिया है, पाकिस्तान ने उसको अलाउ कर दिया है, तो फिर इंडिया अभी इवेल्यूएट कर रहा है इस प्रपोजल को। तो फिर यहाँ पे फिलहाल इम्पॉर्टेंट बस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसे 1945 जून में एस्टैब्लिश किया गया था। द सीट ऑफ द कोर्ट इज़ एट द पीस पैलेस इन हेग, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स में हेग में इसका हेड ऑफिस है, जिसे पीस पैलेस कहा जाता है। द कोर्ट्स रोल इज़ टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय स्टेट्स एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड टू इट बाय ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशंस। तो फिर अब यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, अब उनके थ्रू या फिर जो स्टेट्स आती हैं डायरेक्टली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटर स्टेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है ये, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ को नज़र में रखते हुए। ये अपनी ओपिनियन देते हैं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, अरे ओपिनियन देता है बस। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ यहाँ पे ट्रिपल तलाक बिल के बारे में है। अब ये बिल पास हो चुका है, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उन्होंने एसेंट दे दिया है ट्रिपल तलाक बिल को, तो फिर अब ये एक्ट बन चुका है। इंस्टेंट ओरल ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है, जिसे जेल टर्म अप टू 3 ईयर्स दे सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। बेल तभी प्रोवाइड की जाएगी जब जो अपोजिट पार्टी है, जो फीमेल है, उनके साथ बातचीत करके ही उस मेल को बेल दी जाएगी। ये सारे प्रोविजन्स है इस आर्टिकल के, और ये आता है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के अंडर। ऑल राइट, अब इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि ये थोड़ा सा मिसयूज़ किया जा सकता है, और जबकि मैरिज एक सिविल प्रोसीजर मानी जाती है, तो फिर वहाँ पे जो मेल है जो कि ट्रिपल तलाक देगा किसी फीमेल को, तो फिर उसे वहाँ पे क्रिमिनल डिक्लेयर करना सही बात है कि नहीं। ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स थे उसके अंडर, और मेन कंसर्न तो यही है कि इस एक्ट का मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है कि अगर नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी हो गई तो भी फीमेल कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं जाके कि ट्रिपल तलाक का वहाँ पे केस हो चुका है। तो फिर अभी वहाँ पे फ़िलहाल रूल्स नहीं दिए गए हैं, प्रॉपरली फ्रेम नहीं किए गए हैं, इसीलिए थोड़ा कंसर्न थे सब पर। अब वो एक्ट बन चुका है, तो फिर अब हम देखते हैं आगे कि उसका किस तरह से यूज़ होगा। और अगली न्यूज़ इज़ अबाउट ई बाइक शेयरिंग सर्विस लॉन्च इन गुरुग्राम। तो फिर गुरुग्राम में एक ई बाइक शेयरिंग सर्विस लॉन्च की गई है, जिसमें जो यूज़र्स है वो दे कैन रेंट द ई बाइक बाई यूजिंग अनलॉकिंग द डिजिटल लॉक। वो मोबीसाई ऐप एक होगा, उसके अंडर जो बाइक्स रखी होंगी उनका QR कोड स्कैन करके जिसे भी यूज़ करना है वो बाइक यूज़ कर सकता है, और 2 मिनट 2 रुपए पर मिनट की वो राइड होगी, या फिर मंथली भी पैकेज ले सकता है वो 149 रुपीज़ का। पर डे का भी प्लान होता है, और 499 रुपीज़ का 2.5 आवर राइड्स। तो फिर ये सारी प्रोविजंस है उस ऐप के अंदर, और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए लाया गया है। अब जो कम्यूटर्स हैं इन द मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद मूवीज है लॉन्च ई बाइक शेयरिंग सर्विस। तो फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड जो है गुरुग्राम का, उन्होंने मोबिसा का बाइक शेयरिंग सर्विस जो है इनके साथ कोलैबोरेट करके ये स्कीम लाई है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, और ये कम्यूटेशन बहुत आसान हो जाएगा इससे। और ये ई बाइक का है तो फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, यह बहुत अच्छी स्कीम है, हर जगह लागू होनी चाहिए। साइकिल्स का तो वैसे हो चुका है मैक्सिमम सिटीज़ में, अब बाइक्स का भी होना इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक मनी लॉन्ड्रिंग की केस थी, वो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ईडी के बारे में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उनके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उन्हें
उसे एस्टैब्लिश किया गया था एज अ एनफोर्समेंट यूनिट इन 1956, और फिर उसे 1957 में रीनेम किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑल राइट, और इसका हेड क्वार्टर्स इज़ इन न्यू दिल्ली। एनफोर्समेंट, अब ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये दो एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एनफोर्समेंट जो है वो करता है, जो कि फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, और PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2018। ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इनका एनफोर्समेंट और इससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं वो सब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैंडल करता है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगेन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे CBI को मेंशन कर दिया गया है, तो फिर हम CBI जान लेते हैं। बहुत न्यूज़ में थी ये बॉडी फ़िलहाल, तो फिर ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब CBI जो है वो इंडिया की प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करती हैं, और फेयर एंड इम्पार्शल प्रोब उन्हें देना होता है, अब ये उनका काम है। इन 2014 लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर, तो फिर CBI डायरेक्टर को जो अपॉइंट करता है लोकपाल एक्ट के अंदर, वो कमिटी बनाई गई थी। तो फिर उस कमिटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं ऑब्वियसली, और अदर मेंबर्स जो होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन, दैट इज़ लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे, भेजेंगे उन्हें। तो फिर ये तीन मेंबर्स होते हैं, और होम मिनिस्ट्री जो है वो लिस्ट भेजती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर, वो एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस, और उसके हिसाब से वो लिस्ट भेजते हैं, और फिर ये जो कमेटी है वो अपॉइंट करती है। ऑलराइट, और जो CBI है इट इज़ हेडेड बाय एन IPS ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन, ये सारी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत आसान है ये क्वेश्चंस पूछना और इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब ये आसाम में है, और काजीरंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है, और वन हॉर्न राइनोस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है हमारे लिए। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है कि टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे स्टाफ को बहला फुसला गया, फिर स्टाफ के साथ मिलके यहाँ पे पोचिंग की एक्टिविटीज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा उनका नंबर बढ़ चुका है, तो फिर यहाँ पे एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए गए हैं। 178 एंटी पोचिंग कैंप्स हैव बीन सेट अप इन 911 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और ईच कैंप हैज़ टू प्रोटेक्ट 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ऑलराइट, अब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है नंबर्स एक्चुअली, बस एंटी पोचिंग कैंप्स यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी स्टेप है, क्योंकि पोचिंग एक्टिविटीज़ को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बस इस न्यूज़ में इतना ही इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा की लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट है, प्लस वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है, वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है, और पोचिंग की एक्टिविटीज़ चल रही है, तो उसे भी कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स उठा लिए हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में दिया गया है। अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, और ये चार्ट यहाँ पे जो नाम दिया है रिजर्व्स का, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, बांदीपुर, काली, नागरहोल, BRT और भद्रा, ये सारे जो टाइगर रिजर्व्स है ये सारे के सारे कर्नाटका में हैं। इनकी लोकेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये सारे कर्नाटका के हैं। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नेटवर्थ के हिसाब से उनकी वैल्यू वगैरह दी है, जो कि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। रादर हम यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अब ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द मिनिस्ट्री, और विद एन ओवर आर्चिंग सुपीरियोरिटी कोऑर्डिनेशन रोल, और ये परफॉर्म करता है फंक्शन एज प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ऑलराइट, NTCA को लॉन्च किया गया था 2005 में,
अब टाइगर टास्क फोर्स जो बनाया गया था उसके रिकमेंडेशंस में, टाइगर टास्क फोर्स भी बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, और फिर उसी के अंडर इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया था 2006 में। ठीक है, तो फिर ये ज़रूर याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और प्राइम मिनिस्टर इस बॉडी को हेड करते हैं। और यहाँ पे बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट था, और यहाँ पे ये भी दिया है कि जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे टाइगर प्रोटेक्शन के लिए जो कि स्कीम्स है वो तो अप्लाई की ही थी, प्लस उसके साथ अदर बेनिफिट्स जो है, अब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल लॉस, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, इंकरेजमेंट टू पॉलिनेशन एंड अदर्स वगैरह, फिर यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन हो जाता है सॉइल में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन। और हम बढ़ते हैं आगे, अब कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उनका एक्चुअली 100 डे एजेंडा था, तो फिर उसे सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठा ली है कि इंस्टॉलिंग बिग स्क्रीन्स एंड ऑडियो सिस्टम एट 2 dozen स्पॉट्स वेर अ लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज गैदर एंड प्रेयर और आरती, रोलिंग आउट 25 साइंस म्यूजियम्स ऑन व्हील्स टू रीच आउट द रूरल स्टूडेंट्स एंड डिगिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स एट ओवर 100 मेजर मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल ऑन द यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्रीज 100 डे एजेंडा। यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री का जो 100 डेज एजेंडा है उसके अंदर अब 100 मेजर मॉन्यूमेंट्स के पास वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को बनाया जाएगा, 25 साइंस म्यूजियम्स को ऑन व्हील वो घुमाया जाएगा, क्योंकि रूरल एरिया में भी वो पहुंचनी चाहिए, बच्चों को इनक्रेज करना है और बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स, IT कंप्यूटर्स के टूवर्ड्स इनक्रेज करना है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, हमारा जो फ्यूचर एसेट है हमारी पॉपुलेशन उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। तो फिर ये उसी के टूवर्ड्स ये सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अब हम IMD के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अगस्त में भी रेन फॉल नॉर्मल होगा, तो फिर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, IMD के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल मीटियोर इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आती है एजेंसी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, सिस्मोलॉजी, वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है कंट्री में, ये सब इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। और अगर कोई वेदर फिनोमेनन है, सीवियर एक्टिविटीज अब होने वाली है, हीट वेव्स, डस्ट स्टॉर्म, साइक्लोन्स, हेवी रेन एंड स्नो एंड अदर्स, तो इसके लिए IMD वॉर्न भी करता है। अब UGC का जो है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इंडिया का, अब यहाँ पे ये न्यूज़ थोड़ी सी ठीक है कंट्रोवर्शियल नहीं बोल सकते हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। पैनल जो सेट किया जाता है UGC में टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी रिसर्च ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने ये कहा है, ये सजेशन दिया है कि वाइस चांसलर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है उसकी प्रोसीजर थोड़ी चेंज की जाए, अभी तक ये कंप्लीट प्रोविजंस वगैरह नहीं आए हैं और ये सिर्फ एक एडवाइस दी है, तो फिर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है उनमें इन्हें चेंजेस लाने हैं। तो फिर हम बस UGC के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के अंडर इसे सेट किया गया है इन 1956, और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को ये देखती है, और ये प्रोवाइड करती है रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और फंड्स एलोकेशन वगैरह ये सब यहीं से होता है। तो फिर UGC बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है हमारे लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिलहाल ये जो आर्टिकल्स है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े पॉलिटिकल हो जाते हैं। तो फिर ये एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल था, तो फिर हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फीमेल फेटिसाइड्स के बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन दी गई है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है उन्होंने डेटा रिलीज किया है सेक्स रेशियो एट बर्थ के बारे में, और ये जो है हमारा सेक्स रेशियो वो बहुत कम होते जा रहा है दिन ब दिन, और कंपैरिजन अगर किया जाए तो 909 गर्ल्स पर 1000 बॉयज थे इन 2013, जो कि अब 896 हो गए हैं इन 2017। तो फिर ये बहुत
कंसर्न वाली चीज़ है। और केरला और छत्तीसगढ़ का जो SRB है वो अबाव 950 है एज़ पर 1000 बॉयज़, और 5% गर्ल आर ऑब्वियसली एलिमिनेटेड बिफोर दे आर बॉर्न, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन अभी भी हो ही रहा है, उसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लाई गई हैं, तब भी ये चीज़ हो रही है, और 5% गर्ल्स को बिफोर दे आर बॉर्न एलिमिनेट किया जाता है। और हम यहाँ पे सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। अब सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया गया था इन 1960s। ये रिलायबल एस्टिमेट्स देता है ऑन बर्थ एंड डेथ रेट्स, ऑल राइट, और ये स्टेट्स एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्लस रूरल और अर्बन का अलग अलग रिपोर्ट देता है। तो फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है। और यहाँ पे अब कंपैरिजन दिया गया है कि SRB जो है, जो नदन इंडिया में नंबर है वो बहुत कम है, 885 गर्ल्स है ओनली पर 1000 बॉयज़, और सेंट्रल इंडिया में इससे थोड़ी बेटर कंडीशन है जो कि 926 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज़, और सदर्न इंडिया में 940 है, और ईस्टर्न स्टेट्स का जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ 965 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, और वेस्टर्न इंडिया में 959 गर्ल्स पर बॉयज़। अब ये जो डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप आंसर राइटिंग के समय ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो फिर अब नॉर्थ ईस्ट का जो है वो 900 गर्ल्स पर बॉयज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे बहुत स्कीम्स लाई है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया है, तो फिर ये नंबर इम्प्रूव हुआ है। अब स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट्स जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए गए थे, और 8% मेल चिल्ड्रन सेवरल स्टेट्स में वो ज़्यादा बॉर्न हुए हैं, और एक्चुअली इसका रिजल्ट ऐसा है कि मिसिंग गर्ल्स, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों का एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन पहले ही हो जाता है और फिर फीमेल फीटिसाइड वहाँ पे हो जाता है, तो फिर ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। और फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन का जो प्रेफरेंस है अब वो 927, और 2.5% जो फर्स्ट बॉर्न गर्ल्स हैं उन्हें पहले ही एलिमिनेट किया जाता है। ये इस पूरे आर्टिकल का बेसिकली जो हम बोल सकते हैं क्रक्स जो है वो वही है कि अभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है और लड़कियों की संख्या दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अब यहाँ पे ये जो डेटा है कि हाँ 940 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज़, 959 गर्ल्स है पर बॉयज़, हमें इस पे सेटल नहीं होना है, हम इस चीज़ पे खुश नहीं हो सकते हैं, इक्वल होना चाहिए, इसीलिए प्रॉब्लम है कंट्री में। और ये एक स्कीम लाई गई थी प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स जो है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, ये प्रैक्टिकली एनी वन हु वॉन्ट्स टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस, और ये इलीगल है, ये एक्ट को, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स जो है इन सबको इलीगल माना गया है, और तभी भी उत्तर प्रदेश एंड बिहार में इन चीज़ों का नंबर बहुत ज़्यादा है, जो ऐसे बिल्कुल रिमोट एंड एरियाज होते हैं सिक्लूडेड, वहाँ पे ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं। तो फिर सेंट्रल सुपरविजरी बोर्ड भी लाया गया है इस एक्ट को मैनेज करने के लिए और नज़र रखने के लिए, पर फिलहाल इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर हमें कोशिश करनी है ये रिजल्ट्स इम्प्रूव करने हैं, और फिलहाल तो कुछ नहीं, फिर देखते हैं हम आगे कैसे होता है। तो और यहाँ पे ट्रिपल तलाक बिल को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने आसन दे दिया है वो है, और लोकसभा बिल पासिस बिल फॉर डेथ फॉर रेप ऑफ माइनर्स। तो फिर यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के बारे में दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि ये एक्ट जनरल न्यूट्रल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, जो जिनकी एज 0 to 18 ईयर्स के बीच में है उनके लिए ये एक्ट है, विच सीक्स डेथ पेनल्टी फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट एंड चिल्ड्रंस, और बच्चों को पोर्नोग्राफी में वगैरह यूज़ किया जाता है, उन्हें असल्ट किया जाता है, उनका अब्यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंडर आती हैं, और बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है इस एक्ट के अंडर। ये जो बिल था ये राज्यसभा ने ऑलरेडी पास किया गया था, राज्यसभा में पास हो चुका था, अब इसे लोकसभा ने भी पास कर दिया है, अब बस हमारे प्रेसिडेंट इसे एसेंट देंगे और फिर ये एक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड्स में जो चेंजेस लाए थे उसके बारे में दिया गया है। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है, इसमें जो क्रेडिटर है वो
एप्लीकेशन फाइल कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, जो कि कंपनीज की इंसॉल्वेंसी वगैरह से रिलेटेड जो केसेस है वो हैंडल करते हैं। अब NCLT मस्ट फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट विद इन 14 डेज। अब जो कि डिफॉल्ट है पेमेंट का, कि हाँ पेमेंट करना था पर किया नहीं है या फिर इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम है, तो फिर ये सारी चीज़ें NCLT फाइंड करेगा, 14 डेज में करना पड़ेगा। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है टू टेक रिजोल्यूशन डिसीजन, क्रेडिटर की जो मतलब कंपनी में उन्हें कमेटी बिठानी पड़ेगी जो कि रिजोल्यूशन डिसीजंस लेंगे। वंस कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बिगिंस, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 330 डेज। 330 डेज की कैप है इसके ऊपर, ये पूरी प्रोसेस के ऊपर कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो बिगिन हो जानी चाहिए, क्योंकि NPS की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ऑलरेडी है, तो इसे बढ़ाना नहीं है, हमें लायबिलिटी नहीं बनानी है, एसेट्स क्रिएट करने हैं। तो ये जो NPS की प्रॉब्लम होती है और इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम होती है, ये हमें जल्द से जल्द सॉल्व करनी है। और ये बस इस बिल में भी इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे NRC के बारे में हम देख लेते हैं। अब ये आसाम गवर्नमेंट ने पुश किया है कि NRC का जो डेटा है ये रिवाइज करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो फिर इसके वजह से ये न्यूज़ आई थी फिर से। तो फिर NRC देख लेते हैं, ये लिस्ट है हु इज़ बोनाफाइड इंडियन सिटीजन एंड हु इज़ इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। आसाम का है ये, इट वॉज़ फर्स्ट मेड इन 1951 अक्रॉस इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ दैट ईयर। ऑल राइट, इट्स बीइंग अपडेटेड दैट टू ओनली इन आसाम। अब ये इनलीगल माइग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए NRC बनाया गया था। ये लेगेसी डेटा है, वन हैज़ टू लिंक वन सेल्फ विद फैमिली मेम्बर हुज नेम हैड अपियर्ड इन दी NRC ऑफ 1951। अब ये अपने आप को इंडियन सिटीजन प्रूव करने के लिए ये सारी प्रोविजंस है कि लेगेसी डेटा चाहिए। एक भी पेरेंट अगर इंडिया का हुआ और ये सारे मतलब ये प्रूफ हो गया कि हाँ आपका एक पेरेंट इंडिया का है, और अगर कोई डिफॉल्टर है मतलब डाउटफुल वोटर है जिसे ऐड कर दिया गया है लिस्ट में कि हाँ इस पर्सन का डाउटफुल वोटर, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स में, अगर वो प्रूफ हो गया तो फिर आपको लेगेसी डेटा में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको इंडियन सिटीज़न बनने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर अगर इधर पेरेंट है इंडियन सिटीज़न, वो अच्छे से प्रूव हो गया, तो फिर आप बन सकते हो इंडियन सिटीज़न। तो फिर ये सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है, ये परमानेंट रेसिडेंस के लिए ही चल रहा है फिलहाल, और ये 1951 में लाया गया था और आसाम अकॉर्ड 1985 में हुआ था। ऑल राइट, तो फिर फिलहाल इस न्यूज़ में तो इतना ही है, और हम बढ़ते हैं आगे। अब आसाम गवर्नमेंट ये कह रही है कि रीवेरिफिकेशन होना चाहिए एप्लीकेंट्स का NRC में, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आना चाहिए, क्योंकि उन्हें डाउट है कि बॉर्डरिंग बांग्लादेश जो डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश को बॉर्डर करती है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि माइग्रेंट्स ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं, या फिर थोड़ी बहुत जो भी डेटा की वजह से प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम फिर से रिवाइज़ करेंगे डेटा को। ऑल राइट, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। कुछ लोग रह भी गए हैं वहाँ पे, इंक्लूड नहीं किया है उन्हें, तो फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, इसीलिए वो प्रोविज़न लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे, इस पेज पे फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं थी। अब ये ग्लोबल गोल्ड डिमांड है वो फिर से इंक्रीज़ हुई है, अब ये 3 ईयर हाई हुआ है ये फ़िलहाल, सबसे ज़्यादा डिमांड हुई है गोल्ड की, 8% इंक्रीज़ हुआ है एक साल में, 2018 के कंपैरिजन में 8% इंक्रीज़ हुआ है। अभी सिर्फ 7-8 महीने हुए हैं इस साल को शुरू होके, फिर भी इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उन्होंने ये डेटा रिलीज़ किया है, और हम बढ़ते हैं आगे। और हमारे इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ हुई है, जो कि कॉटन यान का जो एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ पे वो बहुत कम हो गया है, 33% कम हो गया है। तो फिर ये बहुत कंसर्न वाली चीज़ है अमॉन्ग टेक्सटाइल मिल्स। तो फिर हमारे इंडिया में चाइना सबसे मेन मार्केट था इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स के लिए,
अब वो बिल्कुल हाफ हो गया है इंडिया का एक्सपोर्ट्स टू चाइना। अब पाकिस्तान और वियतनाम को चाइना ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है वहाँ पे ट्रेड करने के लिए कॉटन यान के लिए, तो फिर वो भी एक इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और जो कि हमारे एक्सपोर्ट 32% होते थे वो अब 24% पे आ गए हैं। और एक्चुअली हमारी कंट्री में जो बेनिफिट्स दिए गए थे एक्सपोर्ट्स को वो हटा दिए हैं, तो फिर अब उसे भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है, इंटरेस्ट रेट्स है, अब वो सब कम करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ानी है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें कम करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड ही होती हैं। हमारी इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है, इम्प्रूव करना है, जो कि गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना ही इंडिया को, तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तो फिर आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। हमारी न्यूज़ हो चुके हैं, प्रो कबड्डी शुरू हो चुका है, और तो कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो फिर आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।